I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगो कवि कर्मणि भारत में प्रतिज्ञा और वचन का बड़ा महत्व है। कदाचित इसका कारण ये है कि मानव जाति से ये बात बार बार कहना आवश्यक है कि वचन तोड़ने के लिए नहीं दिए जाते। इसीलिए आप जिधर देखिए उधर ही कोई न कोई किसी वचन किसी प्रतिज्ञा से बंधा खड़ा है। कहीं गंगा पुत्र भीष्म खड़े हैं, कहीं शिखंडी, कहीं भीम बंधे हुए हैं, कहीं अर्जुन, कहीं द्रौपदी अपने बालों से बंधी खड़ी है, कहीं पांचाल नरेश द्रुपद प्रतिहिंसा की डोरियों में जकड़े हुए हैं। स्वयं शकुनी ने भी अपने आप को एक वचन दे रखा था, परंतु वो ये देख रहा था कि उसके वचन की यात्रा के कोस दिन ब दिन कड़े होते जा रहे हैं। गंधार नरेश की जय हो, गंधार नरेश की जय हो। कहो युवराज, उलूक दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। उलूक,
वो गंधार से कब आए? सूर्यास्त के समय। ले आओ उन्हें। जो आज्ञा। उलूक, मेरा पुत्र। पिताश्री। उलूक मेरे पुत्र, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, आओ मेरे निकट बैठो, मेरी तलवार के निकट बैठो। हाँ, ये तो बताओ, मेरा गंधार कैसा है? बिल्कुल वैसा ही सुंदर है पिताश्री, जैसा आप छोड़कर आए थे। मैं गंधार को कभी भी नहीं छोड़ के आया था पुत्र। हर रात मेरे सपने मुझे गंधार ले जाते हैं, और मैं गंधार की गलियों को प्रणाम करता हूँ, उसकी सुगंधित वायु में सांस लेता हूँ, और फिर लौट आता हूँ पुत्र, लौट आता हूँ। तो पिताश्री, एक बार वहां हो क्यों नहीं आते? नहीं पुत्र, मैं अभी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। देखते नहीं, मैं अपनी तलवार को धार लगा रहा था पुत्र। पिताश्री। हाँ, आप अपने शस्त्रों के निकट रहने के दिन आ गए हैं उलूक। ऋतु बदल रही है, मैंने तो अपने पांसे भी रख दिए हैं। ये देखो मेरे खाली हाथ, बिना पांसों के कैसे अधूरे लग रहे हैं पुत्र। जीतने को तो मेरे पांसों ने कई दांव जीते, परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीत कर भी सब कुछ हार गया, सब कुछ। पांडवों का अज्ञातवास भी अब समाप्त होने पर आ गया है पुत्र, परंतु हम अभी तक उनके छद्म रूप को ताड़ नहीं पाए, नहीं ताड़ पाए। इसलिए अब औपचारिक शस्त्रों से ही युद्ध करना पड़ेगा पुत्र, और ये युद्ध युद्ध नहीं होगा, ये महायुद्ध होगा, महायुद्ध। युद्ध का परिणाम तो कोई नहीं जानता, परंतु इस युद्ध में शकुनी का एक स्वप्न साकार हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा कुरुवंश का, सर्वनाश। और उनके शवों को उठाने के लिए कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मेरी प्रिय गांधारी से उस नेत्रहीन धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लाकर गंगा के उस पुत्र भीष्म ने गंधार का जो अपमान किया है उलूक, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। मैं जब भी राजभवन जाता हूं और अपनी कमल नयनी बहन गांधारी को देखता हूं, तो मेरा क्रोध अपने लंबे लंबे नखों से मेरा हृदय खरोंचने लगता है उल्लूक, खरोंचने लगता है। परंतु तुम ना डरो पुत्र, तुम ना डरो, तुम तो गंधार के दीप हो, और कदाचित कुरुवंश में आने वाली इस आंधी से तुम तो बच ही जाओगे पुत्र, बच ही जाओगे। किंतु पिताश्री, हमें कौरवों और पांडवों के इस युद्ध से क्या लेना देना, हम तो गंधार लौट ही सकते हैं। नहीं पुत्र, नहीं, मैं एक जुआरी हूं,
हार कर तो उठ ही नहीं सकता। दुख तो केवल ये है कि इस दूत क्रीड़ा का अंतिम दाव किसी दूत क्रीड़ा गृह में नहीं लगेगा, रणभूमि में लगेगा, रणभूमि में। और दोनों ही ओर से पांसे फेंकेगा काल। मैं दूत में निपुण अवश्य हूं, परंतु काल तो फिर काल होता है ना, और मैं उस सूत पुत्र कर्ण की भांति ऐसा भी नहीं कर सकता कि विजय या पराजय के विषय में सोचे बिना ही रणभूमि की ओर चल पड़ूं। कर्ण जैसों का जीना बड़ा सहज होता है पुत्र, बड़ा सहज होता है। आइए अंगराज, आइए। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान बाबा, विराजिए। आज ये ब्राह्मण आपको कैसे याद आ गया? सच तो ये है आचार्य कि मैं सोते जागते आप ही के विषय में सोचता रहता हूं। कारण अंगराज? कारण ये है आचार्य कि आपने तो मुझ पर शिक्षा के द्वार बंद कर दिए थे। क्या आप वास्तव में यही सोचते हैं कि किसी सूत पुत्र या शूद्र का शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं? नहीं अंगराज, शिक्षा पर सबका अधिकार है, परंतु तुम जिस शिक्षालय में आए थे वो केवल राजकुमारों का था, मान लिया। किंतु क्या आप अपने उस इनकार का परिणाम जानते हैं? परिणाम यह है कि तुम्हें मुझसे अच्छा गुरु मिल गया है, तुम परशुराम शिष्य हो गए हो। यह आधा परिणाम है आचार्य, पूरा परिणाम तो यह है कि यह परशुराम शिष्य अपने गुरु के शाप की छाया में जी रहा है। शाप? जी हां, शाप। और अब जबकि अर्जुन के अज्ञातवास का बरस समाप्त होने वाला है, मैं आपसे यही कहने आया हूं कि मेरे गुरु का शाप भी वास्तव में आप ही का दिया हुआ शाप है, और मैं इस शाप को स्वीकार करने के पश्चात भी आपसे यही कहने आया हूं कि मैं इस बात से अति प्रसन्न हूं कि मेरे मित्र दुर्योधन के गुप्चर पांडवों का अज्ञातवास नहीं तोड़ पाए, अर्थात युद्ध निश्चित है, उस युद्ध में आप भी होंगे, और अर्जुन से युद्ध करने के उपरांत मैं वहीं उसी रणभूमि में आपसे यह पूछूंगा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, वो कुंती पुत्र अर्जुन या ये सूत पुत्र कर्ण। और अर्जुन से मैं यह जानते हुए भी युद्ध करूंगा कि उसके हाथ में मेरे गुरु के शाप की ढाल भी हो सकती है। यह भाषा तो क्षत्रियों की है अंगराज, क्षत्रियों की। मेरे गुरु ने भी यही कहा था, अंतर केवल यह है कि आप भाषा की बात कर रहे हैं और उन्होंने सहन शक्ति की बात की थी। तुम्हारी शिक्षा तो समाप्त हो चुकी है वत्स, अब गुरु से बिछड़ने का समय आ गया है। आपने तो यह कह दिया था गुरुवर कि मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना ही चला जाऊं, परंतु मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे चला जाऊं? तुम्हें शिक्षा देने में जो मुझे आनंद मिला उसी को गुरु दक्षिणा मान लो वत्स। तुम्हारे जैसे योग्य शिष्य कहां मिलते हैं आजकल किसी गुरु को। किंतु यह सदैव याद रखना कि तुम एक ब्राह्मण हो और क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, और यदि तुम ये देखो कि क्षत्रिय अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनका विरोध करो जैसे मैंने किया था।
हाँ, तुमने अपनी रक्षा क्यों नहीं की वत्स? यदि मैं अपनी रक्षा करता तो आपके विश्राम की रक्षा नहीं कर पाता गुरुवर। विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती कर्ण। मैंने क्या झूठ बोला गुरुवर? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, कौन हो तुम? क्योंकि ब्राह्मणों में यह सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और ब्राह्मण बनकर मुझसे शिक्षा ग्रहण करते रहे। मैं तो एक सूत पुत्र हूं। नहीं, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। यह सहन शक्ति क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और में हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब यह विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। अंगराज, अंगराज कहां चले गए थे? गुरुवर के दर्शन करने चला गया था। गुरु के दर्शन तो वास्तव में आराधना है अंगराज। माता पिता और गुरु के आशीर्वाद को महादेव का वरदान समझो। हर माता पिता का आशीर्वाद आचार्य, या केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय माता पिता का आशीर्वाद? माता पिता की कोई जाति नहीं होती, या फिर उनकी अपनी ही एक जाति होती है। यूं पूछो तो गुरु की भी कोई जाति नहीं होती, स्वयं भगवान की भी कोई जाति नहीं होती। हाँ, माता पिता अच्छे भी हो सकते हैं और अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। गुरु अच्छा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, पर यह सदैव आदरणीय है। और तुम तो बड़े भाग्यवान हो कर्ण कि तुम्हें वो गुरु मिला है जिसे प्रणाम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रणभूमि की ओर जाने से पहले अपनी माता और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना ना भूलना। योद्धा आशीर्वाद के शस्त्रों या अस्त्रों का उपयोग नहीं करता है आचार्य, वो अपने बाहुबल और धनुष के बूते पर रणभूमि में उतरता है। मैं आपसे यही कहने आया था आचार्य कि अब आप अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को अपने आशीर्वाद का कवच पहना दीजिए। प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। तुमने तो हमारी उत्तरा का मन मोह लिया है ब्रिहन्नला। उठते बैठते तुम्हारी ही बात करती रहती है। कहती है कि इंद्र की अप्सराएं भी नर्तन और गायन का प्रदर्शन तुमसे अच्छा नहीं कर सकती। ये तो अपने गुरु के लिए राजकुमारी का आदरपूर्ण स्नेह है महाराज, नहीं तो कहां मैं और कहां नृत्य। हम तो आज ये देखने आए हैं कि तुमने हमारी उत्तरा को सिखाया क्या है। ऐसा कहकर महारानी मेरी परीक्षा ले रही हैं या उत्तरा की? माना कि तुम्हारा संबंध इंद्रप्रस्थ से है, वे लोग कलाओं की परख में निपुण हैं, किंतु हम भी कलाओं की थोड़ी बहुत समझ तो रखते ही हैं। जो आज्ञा महाराज, विराजिए।
ब्रहनला, तुमने तो हमारा मन मोह लिया। मेरी उत्तरा से अच्छा नृत्य तो उर्वशी भी नहीं कर सकती। उर्वशी, वो तो माता है महारानी। आठ, चलिए महाराज। कंक, ये ब्रहनला तो सचमुच नर्तन और गायन में निपुण है। नर्तन और गायन में ही नहीं महाराज, वो तो शस्त्र ज्ञान में भी निपुण है। क्या बात करते हो, ब्रहनला और शस्त्र पासे फेंको पासे।
प्रणाम महारानी। कंक, मैं ये पूछती हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की दुर्दशा देखकर भी इन्हें समझाने के बदले तुम दिन रात बैठे इनके साथ चौसर खेलते रहते हो, क्या इनकी भी वही दुर्दशा देखने के उपरांत जाओगे यहाँ से? महारानी, महारानी। कंक, क्या मेरा प्रश्न ठीक नहीं है? आपका प्रश्न ठीक है महारानी, परिस्थिति तो कभी अशुभ प्रश्न करती ही नहीं। तो फिर उत्तर दो मेरे प्रश्न का। महाराज के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है महारानी। पर तुम्हारे महाराज युधिष्ठिर को किसने आदेश दिया था? क्षत्रिय मर्यादा ने महारानी, क्षत्रिय मर्यादा ने। और क्या क्षत्रिय मर्यादा ने ये आदेश भी दिया था कि वे अपने राज्य के साथ साथ अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दें? मैं तो ये समझ नहीं पा रही कि वे कैसे धर्मराज हैं। यदि वे सब कुछ दांव पे ना लगाते महारानी, तो ये सिद्ध कैसे होता कि द्यूत क्रीड़ा कितनी अशुभ, कितनी व्यक्ति विनाशक क्रीड़ा है? द्यूत की पकड़ इतनी गहरी होती है महारानी कि ना तो जीतने वाला ही उठना चाहता है और ना हारने वाला। अच्छा ये बताओ कि एक बार सब कुछ हारने के पश्चात वे फिर क्यों खेलने बैठ गए? महाराज धृतराष्ट्र ने तो एक बार उन्हें सब कुछ लौटा भी दिया था। यदि कोई क्षत्रिय किसी की कृपा से राजा हो जाए तो फिर वो कैसा क्षत्रिय और कैसा राजा? राज्य किसी की कृपा से नहीं महारानी, बाहुबल से लिया जाता है। संभवतः ज्येष्ठ पिताश्री की कृपा से मिला हुआ राज्य मछली के कांटे की भांति उनके गले में अटक गया था। ये मैं नहीं मानती। महाराज धृतराष्ट्र उनके ज्येष्ठ पिता थे, तो उनका आशीर्वाद अस्वीकारनीय कैसे हो सकता था? यदि आप ये नहीं मानती महारानी, फिर ये मानिए कि दूसरे द्यूत का आदेश भी उन्होंने ही दिया था, और उनके आदेश का पालन करना ज्येष्ठ कुंती पुत्र का कर्तव्य था, और कदाचित भाग्य रेखा भी उसी दिशा में जा रही थी। महावीर, महारथी, सेनापति कीचक पधार रहे हैं। मेरे भैया आ गए। प्रणाम महारानी। दुर्जनता के वृक्ष पर फल लगता जो शाप, कीचक ऐसा शाप है, कीचक ऐसा पाप, कीचक ऐसा पाप। सरदरी। आज्ञा महारानी जी। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी कि तुम्हारे ये केश जो इतने मृदुल और लंबे हैं, तुम इनकी देखरेख की ओर ध्यान क्यों नहीं देती? सदैव खुले रहते हैं। क्या तुम्हें अपने इन घने लंबे और कोमल केशों से प्रेम नहीं? पहले मैं इन्हें बांधे रखती थी महारानी जी। तो अब क्यों इन्हें यूं छोड़ दिया है जैसे केश तुम्हारे अपने नहीं किसी और के हों? बस जी नहीं चाहता। किंतु जी क्यों नहीं चाहता? वो है क्या महारानी जी कि मैं यहाँ आने से पहले इंद्रप्रस्थ के पटरानी द्रौपदी की सेवा में थी और उन्होंने अपने केश खोल रखे हैं, तो उनकी प्रति मेरी निष्ठा मुझे अपने केश बांधने नहीं देती। जिस दिन वो अपना जोड़ा बांध लेंगे उसी दिन मेरी ये केश भी बंध जाएंगे। मुझे तो उनका जोड़ा बंधना संभव नहीं लगता सरंधरी। दुशासन ने हस्तिनापुर राज्य की शक्ति का कवच पहन रखा है, और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उनका अज्ञातवास सफल हो पाएगा। हस्तिनापुर के गुप्तचरों की सेना उन्हें चारों दिशाओं में खोज रही होगी। और तनिक विचार करो सरंधरी, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, बांका और सजीला नकुल,
तेजस्वी सहदेव ये भला छुपे रह सकते हैं? ये तो कदाचित संभव है कि खोजने वाले को चंद्रमा ना मिले किंतु चंद्रवंशी पांडव ना मिले, ये तो संभव ही नहीं। क्या आप ये चाहती हैं कि अज्ञातवास का वर्ष समाप्त हो जाने से पहले ही पांडव हस्तिनापुर वालों को मिल जाएं? मैं ये नहीं चाहती, और सच पूछूं तो जब मैं द्रौपदी के विषय में सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। जुआ खेले धर्मराज और दंड भुगत रही है वो, एक स्त्री का ये अपमान कोई स्त्री कैसे सहन कर सकती है? कभी कभी तो मेरा मन करता है कि शाप दे दूं धर्मराज युधिष्ठिर को। नहीं नहीं महारानी जी, भगवान के लिए ऐसा ना कीजिएगा। दोष ना तो धर्मराज का है और न ही द्रौपदी का। जो कुछ भी हुआ उसमें थोड़ा बहुत हाथ द्रौपदी के अभिमान का भी था। और ये भी तो हो सकता है कि आगे जो कुछ भी होने वाला है ये उसकी भूमिका हो। भाषा तो तुम क्षत्राणियों की बोलती हो सारंदरी। मुझे महाराज द्रुपद के राजभवन में यही भाषा सिखाई गई थी महारानी जी। अच्छा अच्छा, तो तुम कांपेले से द्रौपदी के संग हो? संग होना कैसा महारानी जी, मैं तो उनकी परछाई हूँ। महाराज मुझे पुत्री कहकर बुलाया करते थे और युवराज को मैं भैया कहा करती थी। सरंत्री वैसे क्षमा चाहती है। मैं तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझ गई सरंत्री। तुम्हारे जैसी दासी मिलना सौभाग्य की बात है। तुम जाओ। क्षमा चाहती हूँ। ओ भैया, आप वहां क्यों खड़े हैं? ये दासी कब आई? एक वर्ष हो गया। दुखिया रही है बेचारी, महारानी द्रौपदी की प्रसादिका थी। चलो द्रौपदी को नहीं देखा तो उसकी प्रसादिका को ही देख लिया। इसके सौंदर्य में तो अग्नि की लपट है बहन, निकट से गई तो एक आंच सी लगी। भैया मैं सच कह रहा हूँ सुदेशना, ये अग्नि तो बुझानी पड़ेगी। उसकी चाल की शालीनता देखी, दासियां ऐसे नहीं चलती, ये तो देवियों के चलने की शैली है। तुमने इसे दासी बनाकर इसके साथ बड़ा अन्याय किया है। इससे कहो कि आकर मेरा भवन संभाले। मेरे रोकने से तो आप रुकने वाले हैं नहीं। सैरंद्री, तुम यहां क्या बैठी हो? इस वाटिका में खिले हुए ये सारे फूल तो तुम्हारे नूतन सौंदर्य से जल रहे होंगे। सुदेशना भला तुम्हारे सौंदर्य को क्या मान सम्मान दे सकती है? तुम्हारे इस मुखड़े के दर्शन कर लेने के उपरांत अब मैं पूर्णमासी के चंद्रमा की ओर कभी नहीं देखूंगा। उसने निसंदेह तुम्हारे इस उज्जवल मुखड़े से भिक्षा में चांदनी पाई होगी। तुम सैरंद्री तो नहीं हो सकती, हां तुम कमल पर बैठी हुई श्री अवश्य हो सकती हो। तुम प्रेम की देवी
रति अवश्य हो सकती हो। अर्जुन और कर्ण जैसे धनुर्धर भी तुम्हारे नैनों के वाणों का सामना नहीं कर सकते। ये वाण उनकी छाती में छेद कर उनके हृदय में उतर जाएंगे। कामदेव के वाणों से घायल इस योद्धा पर दया करो। मेरी कामना की तपती भूमि पर सावन बनकर बरस जाओ सुंदरी। तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो सौंदर्य का हस्ताक्षर हो। तुम्हारे लिए मैं सारी पत्नियों को त्याग दूंगा, उन्हें तुम्हारी दासियां बना दूंगा। हे महारथी, मैं तो केवल एक सैरंध्री हूं, एक साधारण से प्रसाधिका। मैं इस सम्मान के योग्य नहीं। मनीषी वही है हे महायोद्धा, जो अपने वैवाहिक जीवन की खींची हुई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करे। धर्मानुसार दूसरों की पत्नी का आदर करना चाहिए और माँ और बहनों की भांति उनकी रक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं भी एक ब्याहता हूँ, मेरे सर पर मर्यादा की ओढ़नी है और सेनापति होने के नाते उस ओढ़नी की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मैं ये सब जानता हूँ, किंतु तुम्हें पाने के लिए मैं अपने धर्म को त्याग सकता हूँ और तुम्हें तुम्हारे धर्म के हाथों से छीन सकता हूँ। मुझे अस्वीकार करके तुमने अच्छा नहीं किया सैरंध्री। मैं यहाँ का राजा नहीं हूं, परंतु इस राज्य की राजनीति की नदी मेरी भुजाओं से निकलती है। आप स्वयं अपने जीवन के शत्रु क्यों बन रहे सेनापति कीचक? मैं सैरंध्री अवश्य हूँ, परंतु असहाय नहीं हूँ, अनाथ नहीं हूँ। 5 शूरवीर मेरे मान सम्मान और मेरे शरीर के रक्षक हैं। मैं 5 गंधर्व महावीरों की पत्नी हूँ, और यदि उन्हें इसकी भनक भी मिल गई कि आपने इस वाटिका में रोककर मेरा यूं अपमान किया है, तो मेरी महारानी को आपके शव पर रोना पड़ेगा। मेरा निवेदन सुनिए, अपनी मृत्यु को आमंत्रित न कीजिए। मैंने आपकी बहन का नमक खाया है, मैं उनके भाई की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सतीत्व एक पर्वत है, और यदि आप इससे टकराएंगे तो उस पर्वत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु आप कण कण होकर बिखर जाएंगे। भैया, प्रिय बहन सुदेशना, यदि तुम ये चाहती हो कि मैं जीवित रहूं, तो अपनी सैरंध्री को समझाओ कि वो मुझे स्वीकार कर ले, क्योंकि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हे बीरन, वो मेरी शरण में है। सैरंध्री के विषय में ऐसा सोचकर मुझे लज्जित ना करो। यदि तुम्हें अपने जीवन से और अपनी बहन से प्रेम है, तो अपने हृदय से इस भावना को यूं निकाल फेंको जैसे किसी मिथ्याचारी दास को घर से निकाल दिया जाता है। तुम्हारी इस भूल का परिणाम सारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो ये है अपने भाई के लिए तुम्हारा स्नेह? मैं पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म का अंतर जानती हूँ भैया, परंतु तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें त्याग भी नहीं सकती। नरक के इस मार्ग पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, मैं अपने भवन में उसकी प्रतीक्षा करूंगा। महारानी की जय हो। मैं तुम्हें ही बुलवाने वाली थी।
आदेश दीजिए। तनिक मेरे भैया के भवन तक चली जाओ, वो महाराज के लिए कोई अच्छी मदिरा लाए हैं, वो ले आओ। वे मेरे भ्राता हैं सरंद्री। मुझे याद है महारानी, परंतु कदाचित आप ये भूल गए हैं कि मैं एक पत्नी हूं। मदिरा लाने के लिए किसी और दासी को भेज दीजिए। मैं तुम्ही को भेजना चाहती हूँ। जो आज्ञा, किंतु परिणाम के उत्तरदायी आप होंगे। जब मन बेबस हो करे, कोई अनुचित काम, तब उसको ना दिखता क्या होगा परिणाम।